हेलो गाइस, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड आज के ट्यूटोरियल में हम जो है ई कॉमर्स या आप कहें कि वेबसाइट बैनर डिज़ाइन, या आप इसको बैनर भी कह सकते हैं, हम जो डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम जो शूज़ कंपनी या कोई भी शूज़ हो उसको जो हम किस तरीके से जो बैनर के लिए जो हम तैयार कर सकते हैं, तो वो जो हम आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो हम जो कुछ इस तरीके का जो है डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट एक शूज़ है, ठीक है, ओनली एक शूज़ है हमारे पास, बस इससे और हमारे पास कुछ भी अभी के लिए नहीं है। तो हम जस्ट शूज से एक पूरा जो है बैनर जो है डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने साइज रखा है 1280 और 720 पिक्सल का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है शूज को लाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप शूज को रख दीजिए, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज़, आप जो भी डिज़ाइन करने वाले हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास हो, चाहे शूज़ हो या कोई भी आपके पास क्लॉथ हो, जो भी चीज़ हो, एक एक्स्ट्रा आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले ट्राई कीजिए कि जो प्रोडक्ट के जो कलर हैं उन्हीं को जो आप बैकग्राउंड में यूज़ करने की कोशिश करें। अगर आपका उससे जो है सही डिज़ाइन नहीं बन रहा, तब आप जो है एक्स्ट्रा कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको जो है उसी प्रोडक्ट के कलर जो आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ से ये रेड कलर या इस तरह का हल्का सा ऑरेंज की तरफ जाने वाले कलर को चूज़ किया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, एंड रेक्टेंगल लेने के बाद इसकी आउटलाइन जो है ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा कि ग्रेडियंट जो है अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं ग्रेडियंट के लिए अप्लाई करता हूँ इस तरीके से। एंड यहाँ पर कलर चूज़ करूँगा इसका लाइट वाला वर्जन, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका डार्क वाला वर्जन, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको आप या तो लाइनर में कर सकते हैं, और अगर आपको लाइनर में जो ग्रेडियंट सही नहीं लग रहा है तो आप इसको रेडियल में कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से जो है क्लिक कीजिए, एंड ये रेडियल में आपका हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है, एंड इसको रोटेट करके इस तरफ जाता हूँ, ठीक है, एंड इसको हल्का सा यहाँ से डाउनफॉल, ओके। सो ये अब के लिए इतना हमारा हो गया ना। अब हमें क्या करना है, वो एक एक चीज़ हम जो स्टेप बाय स्टेप इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शूज है इसका जो मैं रिफ्लेक्शन इसको दिखाऊँ, मैं शैडो यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं जो प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं रिफ्लेक्शन करने का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो सभी यूज़ करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्लिप कर देंगे इस तरीके से, एंड इसको जो यहाँ से जो है ट्रांसपेरेंसी लगा देंगे। लेकिन मुझे जो ये नहीं करना है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, हर कोई यूज़ करता है, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से रोटेशन इसमें दूँगा इस तरीके से, एंड इसको जो है बिल्कुल प्रोडक्ट के इस तरीके से नीचे ले आऊँगा मैं इसको, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से दूँ, ठीक है। तो अब इसकी क्या करूँगा, मैं ट्रांसपेरेंसी लूँगा एंड इसको जो ड्रैग करूँगा इस तरीके से, एंड इसको जो यहाँ तक लाऊँगा, ठीक है, एंड इसको ऊपर ले आऊँगा, एंड इसको थोड़ा सा और ऊपर, परफेक्ट। सो अब मुझे ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है पहले से, ठीक। एंड मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ से कर देते हैं पावर क्लिक, ठीक है। तो ये अभी के लिए आपका इतना बन गया है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो है एक जो है यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक, इस तरीके से, सॉरी, एक जो है सर्कल लेते हैं, एंड इसको यहाँ से बड़ा करेंगे। अब इसके आउटलाइन में क्या करते हैं, इसके आउटलाइन को 25 कर देता हूँ मैं, इसको जो है लगभग 35 अप्रोच कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है, ये मुझे इतना परफेक्ट लग रहा। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एंड इस जो मैंने सर्कल लिया है, अभी ये आउटलाइन था, इसको मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ये हो गया। एंड इसमें जो मैं वाइट कलर फिल करूँगा इस तरीके से, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी लूँगा, इसको जो यहाँ से इस तरीके से इसमें ट्रांसपेरेंसी लगा दूँगा, ओके। और इसमें मैं सेम ये वाला कलर फिल करता हूँ, एंड इसको हल्का सा नीचे करूँगा इस तरीके से,
एंड इसको जो है इसमें पावर क्लिप कर दूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको जो है थोड़ा सा और इसको यहाँ पे ले जाके इसको जो है पेज डाउन कर देता हूँ, ताकि ये जो हमारी रिफ्लेक्शन है उसके भी नीचे चले जाए, एंड इसके ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको जो है इसको जो यहाँ से कंट्रोल के साथ ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि ये फ्लिप हो जाए, एंड इसको थोड़ा और नीचे हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, एंड ट्रांसपेरेंसी इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ से भी दिखे। ओके, इसको ओके कर देते। अब देखिए कितना बेहतरीन इसने अपना लुक दे दिया है। छोटी छोटी चीज़ें हमें जो क्रिएट करनी होती है, आपको जस्ट जो है इसको जो है बार बार अप्लाई करना है अलग अलग तरीके से, तो आप जो इसको जो है और अच्छे से जो है कर सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में अलग अलग आइडिया इससे आएंगे। अब यहाँ पे हम फॉन्ट को जो है लिखते हैं। ठीक है, और फॉन्ट में हम जो है क्रिएटिविटी करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रनिंग। ठीक है, RUNNING रनिंग लिखेंगे, एंड इसका जो फॉन्ट हम इस पर फॉन्ट में यूज़ करने वाला हूँ कॉग्ज़ेसस। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं एंड इसको जो यहाँ से इटैलिक कर देंगे एंड इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको करते हैं यहाँ से बड़ा, क्योंकि मेन फॉन्ट है तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ से, एंड इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, एंड इस जी को, ठीक है, प्रॉपर नहीं करना है लेकिन हल्का सा जी के पार्ट को इतना कर देंगे। ठीक है, एंड इसको जो कंट्रोल के साथ इसको जो कंट्रोल के साथ पेज ऑन करेंगे ताकि हल्का सा सूज के पीछे चला जाए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो है यहाँ पे एक चीज़ हम करने वाले हैं, यहाँ से जो आप टू पॉइंट या पेन टूल लीजिए एंड इसको जो इस तरीके से ड्रैग कीजिए। ठीक है, ड्रैग करना आपको, देन ड्रैग करने के बाद आपको इसका करना है इसको आउटलाइन थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, लगभग हम इसको 4 कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जो नीचे ड्रैग करेंगे इस तरीके से, एंड इसको जो कंट्रोल R से रिपीट करेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन आपको जो बिटमैप में जाना है, इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करके ओके कर देंगे। फिर से बिटमैप में जाएंगे एंड यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है डिजॉर्ट का। ठीक है, डिजॉर्ट में जाकर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिपिल। रिपिल में क्या होगा कि आपको जो है जो आपने लाइन ड्रॉ की है जो कि इस तरीके से मुड़ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से अनक्लिक कर दीजिए, परफेक्ट। ठीक है, अब आप चाहें यहाँ से कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ से, परफेक्ट, एंड मैं इसको इतना रन दूँगा। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको, अगर आप इसको ज़्यादा गैप करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसको जो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, इसको ओके कर देते हैं, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको जो ट्रेस करना है, क्विक ट्रेस करेंगे, परफेक्ट, ये ट्रेस हो गया। इसको साइड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं एंड इसके जो एक और कॉपी कर देते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो इसको लाते हैं यहाँ पे एंड इसको जो बिल्कुल राइट क्लिक करेंगे, इसको जो है पावर क्लिप कर देंगे। सो ये पावर क्लिप हो गया। अब हम इसमें जो है फिल करते हैं ये वाला कलर। ओके, सो ये हो गया एंड इसमें एडिट करेंगे एंड इसमें हम कर देंगे वाइट कलर। ओके करते हैं, ये देखिए, तो ये जो कुछ इस तरीके से आपका जो यहाँ पे बन जाए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम ड्रॉप शैडो यूज़ करेंगे। गाइस, अभी वीडियो फाइनल नहीं हुआ तो आप इसको बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है, एंड ड्रॉप शैडो यूज़ करने के बाद इसको जो आपको मिडिल कर दीजिए एंड यहाँ पे क्लिक करके आप इसको जो है स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से, एंड शैडो को जो हल्का सा नीचे ही करने की कोशिश कीजिए। सो ये इसको अभी इतना रहने देते हैं। ठीक है, एंड शैडो को हमेशा ब्रेक अपार्ट कर लीजिए कंट्रोल के से। ठीक है, सो ये हो गया। अब यहाँ पे जो हम इसके जो सब एडिंग है उसको लिखते हैं सूज ब्राउन। ठीक, एंड इसको जो हम फॉन्ट चेंज करते हैं एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं हम स्क्वायर 720 NPT। ठीक है, एंड इसको जो बोल्ड कर देते हैं
एंड इसमें जो वाइट कलर फिल करते हैं, ठीक। ओके सो अब ये चीज़ इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना है, इसके बैकग्राउंड थोड़ा और अट्रैक्टिव सा बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको जो है कॉपी करते हैं इसकी बैकग्राउंड, ठीक। तो आप जो इसको कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी एंड पेस्ट। इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करके क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको जो यहाँ से डिलीट करते हैं एंड इसको जो यहाँ से फ्रेम को डन करके इसको राइट क्लिक करके यहाँ इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। यहाँ से इसको जो है डिलीट करते हैं इस पार्ट को एंड यहाँ से इसको जो है कर्व करके इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा इसमें थिकनेस या इसको हल्का सा राउंड करेंगे। ये हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो देनी है, ठीक है। एंड यहाँ से इसको कर देंगे इसको मिडिल एंड इसको जो यहाँ से कम कर देते हैं। ओके करते हैं, परफेक्ट। सो ये देखिए यहाँ पे हल्के से साइड भी इसकी साइड भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो एक बार दोबारा अंदर जाते हैं एंड इसको क्या करते हैं, इस तरीके से। सो ये हो गया इतना हमारा। अब हम यहाँ पे जो है क्या करने वाले हैं कि एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले इसको जो बड़ा करते हैं, यहाँ पे एक वाइट सा पैच हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसमें वाइट कलर फिल करते हैं, आउटलाइन ख़त्म करेंगे एंड इसको जो बिट मैप में जाके इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से गॉजियन ब्लर में जाएंगे, इस तरीके से ओके करेंगे। फिर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, इसको यहाँ से करेंगे हम ओवरले, ठीक है। ये हो गया। इसको जो है आपको जो है कंट्रोल एक्स करते हैं एंड एडिट पार्ट क्लिप में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड इसको जो है शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे, ठीक है, ताकि इस लेयर के नीचे चला जाए लेकिन इस साइड से ये हल्का सा दिखे। ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से जो है सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अंदर जो हमने ग्रेडिएंट यूज़ किया था इसी को कॉपी करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। एंड इसको जो दोबारा लेंगे एंड इसको जो छोटा करेंगे, तरीके से एंड इसको पतला भी कर सकते हैं यहाँ से, तो इसको छोटा करते हैं हल्का सा। अब ये आपका जो यहाँ पे बन गया है, अब आपको क्या करना है, इसके जो है अलग अलग ढंग से जो है इसको कॉपी करके इसको जो है आपको यूज़ करना है इस तरीके से। कहीं पे आप इसको छोटा कीजिए, कहीं पे इसको बड़ा कीजिए, ठीक है। इसके साइज़ को जो आप छोटा बड़ा ऐसे सूज के पीछे आप इसको ले जा सकते हैं एक हल्की सी क्रिएटिविटी के लिए। इसको जो है इस तरीके से एंड यहाँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लाइए यहाँ पे साइड में, हल्का सा इसको छोटा कीजिए, यहाँ पे रखिए, बड़ा कीजिए, तो इस तरीके से आप जो है आराम से डिज़ाइन जो है कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया या प्रोफेशनल, आप कोई वेबसाइट बैनर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इस तरीके से आप इसको जो है आराम से जो है डिज़ाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसी तरह के ट्यूटोरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।